नाउ टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 8, क्या निराश हुआ जाए। तो ये जो चैप्टर है ये एक निबंध के रूप में दिया गया है, जिसमें इसके लेखक जो हैं द्विवेदी जी, उन्होंने अलग अलग तरीके से निराशा से बचने के उपाय बताए हैं और किस प्रकार से हमारा जो आज का समाज है वो स्वतंत्रता के बाद बेईमानी और भ्रष्टाचार से भर गया है, लेकिन इसके बावजूद आज भी ईमानदारी जो है जिंदा है लोगों के अंदर। आज भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कर्तव्य परायण होते हैं, अपने कर्तव्य को समझते हैं और सेवा भावना से काम करते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज सब लोग ही एक जैसे हो गए हैं। तो ऑल्दो उसमें कोई डाउट नहीं है कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है, बेईमानी बढ़ गई है लोगों में, लेकिन इसके बावजूद आज भी हमारे जो संस्कार हैं, अच्छे संस्कार हैं, वो आज भी लोगों के अंदर जीवित हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। प्रत्येक व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, जो जितने ही ऊँचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि लेखक कहते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, क्योंकि मैं रोज़ ही जब समाचार पत्र न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो उनके अंदर ऐसी ऐसी खबरें होती हैं जो हमको विचलित कर सकती हैं, जैसे ठगी हो गई फलानी जगह पे, कहीं डकैती, चोरी, स्मगलिंग, तस्करी, मतलब स्मगलिंग करना, भ्रष्टाचार। ये समाचार पत्र जो हमारे हैं वो इनसे भरे रहते हैं और जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आरोप प्रत्यारोप यानी कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने में बिजी रहती हैं। तो ये सब देखकर लेखक को लगता है कि देश के अंदर शायद कोई ईमानदार बचा ही नहीं है और हर एक आदमी आज जो है दूसरे को संदेह की नज़र से देखता है। संदेह की नज़र का मतलब डाउट की निगाहों से देखता है। जब हम कहीं किसी से मिलते हैं उसको जानते नहीं हैं तो सबसे पहले उस पर डाउट ही करते हैं कि पता नहीं किस तरह का आदमी होगा, हम विश्वास करने से कतराते हैं। तो लेखक कहते हैं कि क्या ऐसा नहीं लगता है कि कोई ईमानदार आदमी बचा ही नहीं है पृथ्वी के ऊपर या इस देश के अंदर। लेकिन आगे ये भी कहते हैं कि जितने ऊंचे ऊंचे पदों पर लोग बैठे हैं वो सब उतने ही ज्यादा उनके अंदर अवगुण हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि उस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उस पे दोष लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं है, यही कारण है कि प्रत्येक आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। एक आदमी ने इनसे एक बार कहा था कि आज सुखी आदमी उसी को कहा जा सकता है जो कुछ भी नहीं करता, क्योंकि अगर आप कुछ करने लगोगे तो लोग आपके अंदर दोष यानी कि कमियां ढूंढने लगेंगे, और अगर आपके अंदर दोष मिलते हैं, क्योंकि कोई भी मनुष्य पूर्ण रूप से परफेक्ट तो है ही नहीं, तो कमियां तो होंगी हर एक मनुष्य के अंदर, तो अगर आपकी कमियां मिलती हैं तो लोग जो है उसको बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था, रविंद्रनाथ टैगोर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गौर में डूब गया। तो लेखक चिंता जताते हुए कहते हैं कि क्या इसी भारत की कल्पना की थी हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, जिन्होंने अपनी जान देकर अपना पूरा जीवन बिताकर इस देश को आजाद करवाया। क्या हमारी संस्कृति और सभ्यता इसी प्रकार डूब जाएगी। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों ने के सपनों का भारत है और रहेगा। लेखक आगे बताते हैं कि आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान यानी कि अलग अलग लोग जो भारत में अलग अलग रहते हैं, वो लोग जिसमें यूरोपीय और भारतीय भी हैं,
अब ये जो तरह तरह के लोग भारत में रहते हैं, यानी कि हर धर्म के, हर भारत के अंदर हर दुनिया के झलक आपको देखने को मिलेगी। यूरोपियन लोग यहाँ पर राज करके गए थे, यहाँ पर उनके भी हमको झलक देखने को मिलती है। तो ये समुद्र के रूप में महामानव समुद्र कहा गया है भारत को। तो लेखक कहते हैं क्या ये सूख गया है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरा मन कहता है कि हमारे जो महान मनीषियों यानी कि ऋषि मुनियों ने जिस भारत का सपना देखा था वो आज भी है और आगे भी रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरु और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। लेखक ये भी आगे सही ठहराते हैं कि ऑल्दो आज भारत में, देश में माहौल ऐसा हो गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके जो व्यक्ति खाना चाहता है, कमाना चाहता है, अपना जीवन जीना चाहता है, उस आदमी के जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। और जो चोर हैं, फरेब से, धोखेधड़ी से जो अपना कारोबार बिजनेस करते हैं, वो लोग आज मेहनत किए बिना ऐश कर रहे हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा उनके बिजनेसेस फल फूल रहे हैं। तो ऐसा समझा जाता है कि ईमानदारी तो आजकल मूर्ख लोगों के पल्ले पड़ी हुई है। यानी कि अगर आपको कहीं मौका मिलता है धोखे से पैसा कमाने का, तो आप उसको कमा लीजिए। अगर आप उस मौके को जाने देंगे तो लोग आपको मूर्ख कहेंगे। और सच्चाई जो है वो भी केवल बेबस लोगों के हिस्से पड़ी हुई है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हर एक आदमी सच्चा है, यानी कि जो गरीब बेबस आदमी है वही ईमानदारी और सच्चाई जैसे मूल्यों से जी रहा है। बाकी सब लोग तो बस फरेब और धोखे से ही ईमानदारी को छोड़कर पैसा कमाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। परंतु ऊपर ऊपर जो दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य की निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। सदा मानव बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है, उनके ठीक साबित ना होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। आगे लेखक प्रकाश डालते हैं कि जो नीतियां मतलब पॉलिसीज, जो पॉलिसीज इंसान बनाता है अपने जीवन यापन के लिए, जैसे कि कानून बनाए जाते हैं तरह तरह के। अभी रिसेंटली कानून बनाया गया है कि जो बहुत पुरानी गाड़ियां हैं उनको सड़क पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, उनको स्क्रैप में भेज दिया जाएगा। ये कानून बनाया गया विदेशी तर्ज पे, क्योंकि विदेशों में लोग जो है पॉल्यूशन को ज़्यादा ध्यान देते हैं उस तरफ, और पॉल्यूशन ना हो इस कारण से वो गाड़ियों को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद स्क्रैप में डाल देते हैं, यानी कि तोड़ देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे हम लंबे समय तक, जब तक गाड़ी जवाब ना दे तब तक चलाते हैं। तो ये एक नई पॉलिसी बनाई गई अभी रिसेंटली। तो ऐसी पॉलिसीज जो बनाई जाती हैं जिनको हम नीतियाँ कहते हैं, हर एक नीति के अंदर कोई ना कोई कमी तो होती है, ठीक है। अब ये जो कमियाँ हैं इसका मतलब ये नहीं है कि भी वो नीति गलत है, क्योंकि कानून जो बनाया जाता है वो एक कानून हर एक व्यक्ति के लिए सुखदायी नहीं होता है। जो कानून अभी ये बनाया गया है, इस कानून का किसी गरीब आदमी के ऊपर तो कोई फर्क असर पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास तो गाड़ियां है ही नहीं। इससे फ़र्क किसको पड़ेगा? मिडिल क्लास लोगों को। तो यानी कि हर एक व्यक्ति अगर ऐसा सोचे कि भाई वो नीति बनाई गई या कोई भी रूल बनाया गया उससे उसको फ़ायदा या नुकसान है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अलग अलग वर्गों के लिए, अलग अलग तरह के लोगों के लिए अलग अलग नीतियाँ अलग अलग तरीके से फ़ायदे और नुकसान लाती हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि ऐसा पहले भी हुआ था कि नीतियाँ तो शुरू से बनती आ रही हैं, राजा महाराजाओं के समय से, जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था डायनेस्टीज़ वाला, जिसमें हमने मुगल और अलग अलग कालों के काल के राजाओं के बारे में देखा था। तो उस समय भी हमने देखा था कि अलग अलग राजाओं ने अलग अलग नीतियाँ अपनाई थी। तो वैसे ही पहले भी बनी थी और आगे भी बनती रहेंगी, लेकिन इससे हमें हताश नहीं होना है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना।
उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। आगे लेखक कहते हैं कि भारतवर्ष जो है भौतिक वस्तुओं को, यानी कि जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं, गाड़ी बंगला, यानी कि जिनको हम छू सकते हैं, कमा सकते हैं, इन चीज़ों के को ज़्यादा यहाँ पर महत्व नहीं दिया जाता है। यहाँ आंतरिक खूबसूरती पर ध्यान दिया जाता है। हमारे ऋषि मुनि हमें अच्छे संस्कार, अच्छे गुणों से जोड़ते थे। लोभ मोह काम क्रोध ऐसे विकार जो हैं, ये मनुष्य के अंदर ऐसा नहीं था कि पहले नहीं थे, लेकिन उसको तपस्या करके उन सब चीज़ों से छुटकारा पाया जाता था। तो ऐसा भी नहीं था कि अपने स्वाभिमान को, अपने काम क्रोध और लोभ मोह जैसी, यानी कि ग्रीड लालच जो है, इन चीज़ों को आप अपने अंदर ऐसा समझ लो कि भाई हम इनसे पीड़ित हैं, हम इनसे छुटकारा नहीं पा सकते। ऐसा नहीं है। जब आप इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए ठान लो तो आप इनसे छुटकारा पा सकते हो, अपने मन और बुद्धि पर आप कंट्रोल कर सकते हो। भारतवर्ष जो है वो कभी भी ऐसी चीज़ों का समर्थक नहीं रहा है जो कार्य हमारे अंदर जो बुरे गुण होते हैं, बुरा आचरण जो है हमारे भारतवर्ष के अंदर, इन चीज़ों के लिए शुरू से ना कोई जगह थी और ना ही आज इसके लिए कोई जगह है। जिस प्रकार से भूखा जो होता है उसको खाना ही दिया जाता है, बीमार आदमी है उसको दवा ही देनी पड़ती है, वैसे ही गुमराह आदमी, यानी कि जो व्यक्ति मिसगाइडेड है, जिसको गाइडेंस नहीं मिला है प्रॉपरली, उसको सही रास्ते पर लाना, उसको प्रॉपरली गाइड करना, वो बहुत ज़रूरी है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर ये जो पैराग्राफ जो दिया गया है, ये पहरा, इसके अंदर कहने का भाव लेखक का यही है कि सिंपली बुराइयाँ हैं तो बुरे लोगों को बुरा ही करने दो, ये ठीक नहीं है। भारत का कल्चर ऐसा नहीं है, हमारे संस्कार ऐसे नहीं हैं कि लोग बुरे हैं तो उनको बुराई करने दो। नहीं, हमारा फ़र्ज है कि हम अपना रास्ता सही चुने और लोगों को भी सही रास्ता दिखाएं। हुआ यह है कि इस देश में के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय ही वे लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपने ही सुख सुविधाओं की और ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो लेखक आगे इसी को डिटेल में हमारे सामने रखते हैं कि जो लोग भारत के जो वासी हैं, भारत के जो लोग हैं, उन लोगों को एक अच्छा जीवन मिल सके, उनके जीवन में सुधार हो सके, जैसे कि अलग अलग फील्ड्स के अंदर, भले वो एग्रीकल्चरल फील्ड है, भले वो इंडस्ट्रियल फील्ड है, भले वो कोई भी फील्ड है, उन सब फील्ड्स के अंदर भारत तरक्की कर सके और हर एक व्यक्ति को उसमें बहुत लाभ मिल सके, हर एक व्यक्ति उसका लाभ उठा सके, इसके लिए कायदे कानून बनाए गए हैं। लेकिन कायदे कानून बनाने का मतलब ये नहीं है कि ये सब ठीक हो गया। कानून बनाए जाते हैं लेकिन उसको प्रॉपरली अप्लाई करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो इनको अप्लाई करने वाले जो लोग हैं, जब वो इसको अप्लाई करते हैं तो उस समय उनका मन जो है वो ऐसी स्थिति में नहीं होता है कि वो सब कुछ, मतलब हर समय वो निर्मल और स्वच्छ नहीं होता है, इसलिए वो बीच बीच में कभी कभी गुमराह हो जाते हैं और उस समय वो सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं के बारे में सोचने लगते हैं, इसी कारण से वो इन चीज़ों को करने में असमर्थ हो जाते हैं। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता है। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गई, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह सब कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। तो कहा गया लेखक के द्वारा कि जो मनुष्य का चित्त होता है, यानी कि हमारा जो मन होता है ना, वो समय दर समय बदलता रहता है, यानी कि हमेशा हमारा मन एक जैसा नहीं रहता है। कभी अच्छे विचार आते हैं तो कभी बुरे भी आते हैं, कभी उच्च विचार आते हैं तो कभी बहुत गिरे हुए नीच विचार भी मन में आ जाते हैं। तो कि मनुष्य का मन जो है हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। मन को कंट्रोल करने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा भक्ति करनी पड़ती है, तो आजकल तो हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में मनुष्य की उन्नति होने के साथ साथ
अब हम पहले जिस प्रकार के थे लोग, उस तरीके से आज हम वैसे नहीं रहते ना। आज हमारे पास मटेरियलिस्टिक थिंग्स की भरमार हो गई है, घर के अंदर सुख सुविधा सारी चाहिए, तो इन चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए कहीं ना कहीं हमें अपने फ़र्ज से धोखा करना पड़ता है। यानी कि बड़े लोगों के घर में हम जो सुविधाएं देखते हैं, वही सुविधाएं हमारे घर में अगर हमको चाहिए तो हम उसको पाने के लिए हमारे कर्तव्य को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। और आदर्शों को तो आजकल मजाक मान लिया गया है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर अपने आदर्शों पर चलता है तो ऐसा माना जाता है कि वो आदमी तो बेवकूफ़ है। लेकिन लोगों के लोभ और लालच के कारण ही आज भारतवर्ष जो है वो काफ़ी बुरे दिन देख रहा है। लेकिन इसके बावजूद भारत के अंदर, हमारे लोगों के अंदर आज भी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा पूर्ण रूप से जीवित है, और इसी के फलस्वरूप भारत जो है वो पूरे विश्व में अपने पुराने आदर्शों के बलबूते महान दिखाई देता था और देता रहेगा। इनके हमारी महानता पे इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला, हम जैसे थे पहले आज भी वैसे ही रहने वाले हैं, बल्कि और बेहतर बनेंगे, क्योंकि सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं लेकिन मनुष्यों का लालच भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद हमारी महानता बनी रहेगी, क्योंकि उसको उससे लड़ने की क्षमता हमारे अंदर है, क्योंकि ये पुराने समय से हमारे ऋषि मुनियों ने हमको सिखाया है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरु हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। तो भारत जो है उसमें कानून को धर्म के रूप में देखा जाता था हमेशा से, यानी कि हमारा जो कानून है वो भी एक धर्म है। एक राजा न्याय देना अपना धर्म मानता था, अशोक राजा को बहुत, अशोका द ग्रेट कहा जाता है, न्यायप्रिय थे वो राजा। हमारे जितने भी राजा हैं बहुत न्यायप्रिय राजा थे, यानी कि वो कानून को भी अपना धर्म मानते थे, यानी कि लोगों को न्याय देना उनका धर्म होता था। तो इसी कारण से कानून जो है उसमें और धर्म के अंदर अंतर कर दिया गया, यानी कि पहले कानून ही धर्म होता था, अब धर्म अलग है और कानून अलग है। धर्म को लोग धोखा नहीं दे सकते, यानी हमारे यहाँ पर लोग जो है भगवान से बहुत डरते हैं, गॉड से हमें बहुत डर लगता है। हम किसी और चीज़ से डरें या ना डरें, लेकिन भगवान हमेशा ये जरूर सोचते हैं कि ऊपर वाला जरूर देख रहा है। लेकिन धर्म जो है वो हमें सही रास्ते से पकड़ कर बैठा हुआ है। लेकिन कानून की बात करें तो कानून को तोड़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे उपाय होते हैं। कानून बनता है उससे पहले ही कानून के रक्षक जो होते हैं, जो कानून बनाने वाले होते हैं, वो उससे बाहर निकलने का रास्ता हमें बता देते हैं। तो इस तरीके से जो कानून है वो और धर्म हमारा, इनको अलग अलग करने से ये नुकसान हुआ है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी वह अनुभव कर रहा है जो धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। तो भले ही भारत के अंदर ऊपर ऊपर से अगर हम देखने जाएं तो ये सब समस्याएं भारत में हमारे सामने आ रही हैं, बेईमानी, करप्शन, भ्रष्टाचार वगैरह, लेकिन इसके बावजूद धर्म जो है और कानून, इससे बड़ी हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है। आज भी लोग जो हैं सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता को मानते हैं, अपने अंदर उतारने की कोशिश करते हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। ये भी सही बात है यहाँ पर कि हमारे अंदर इसके जो ये गुण हैं ये दब गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्यों से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुँचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो आज आप जो देखते हो टेलीविज़न के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर जो भरे होते हैं न्यूज़पेपर भ्रष्टाचार की खबरों से, वो हम इसलिए नहीं छापते हैं कि हम उससे बहुत खुश हैं, हमारे अंदर आक्रोश है, गुस्सा है उन चीज़ों के लिए कि भाई वो चीज़ें सही नहीं है हमारे समाज के हिसाब से, इसलिए हम उनको पेपर में, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स में छापते हैं, दिखाते हैं, ताकि लोग जो हैं उसको जानें और ये समझ सकें कि ये चीज़ गलत है। तो अगर कोई व्यक्ति आज गलत तरीके से अपने लिए धन या फिर इज्जत बनाता है तो उसको आज भी हमारा समाज गलत ही मानता है। इसीलिए ये सब चीज़ें बढ़ जरूर गई हैं हमारे समाज के अंदर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सही हो गई हमारे समाज के अंदर।
दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं, बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषों के उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती रहती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। अब बुराई का पर्दाफाश करना ही गलत नहीं है, जो चीज़ गलत है उसका पर्दाफाश तो हमें करना ही चाहिए, लेकिन आजकल कैसा हो गया, हम जब लोगों की अच्छाइयाँ बताते हैं तो उसको ही बड़ा शॉर्टली बता देते हैं, लेकिन जब किसी की बुराई की बात आती है तो बुराई करने में हमारे पास घंटों निकल जाते हैं, हम बुराई करने में घंटों निकाल देते हैं, इतना मतलब हमारे पास टॉपिक होता है बुराई में बात करने के लिए। लेकिन जितने रस से, जितनी हम निष्ठा से, जितना हम समय देकर उसकी बुराई को बताते हैं, उतना ही समय देकर हमें उसकी अच्छाई भी बतानी चाहिए। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते समय, लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि एक बार वो टिकट लेने गए और उन्होंने टिकट काउंटर पर 10 रुपये देने थे, लेकिन गलती से उनके हाथ से 100 का नोट आगे चला गया और उनको लगा कि वो 10 का नोट है। उन्होंने फटाफट से वहाँ से टिकट ली और जल्दी जल्दी आकर गाड़ी में बैठ गए। थोड़ी देर बाद जो टिकट काउंटर पर जो बाबू बैठे हुए थे, जो व्यक्ति थे टिकट काउंटर पर टिकट दे रहे थे, वो आए और सेकेंड क्लास के डिब्बे में लोगों का चेहरा देखने लगे और उनको पहचानने की कोशिश करने लगे और उन्होंने लेखक को पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ उनके हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोले, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर एक विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। यानी कि अगर हम कहें कि भारत के अंदर हम सिर्फ बेईमानी और करप्शन से ही पीड़ित हैं, तो ये जो इंसिडेंट लेखक बता रहे हैं ये हमारी आँखें खोलने के लिए काफ़ी पर्याप्त भी है। जब टिकट काउंटर पर व्यक्ति ने 100 रुपये लेकर बदले में वापस, गलती से ऐसा हुआ, वापस नहीं कर पाए और लेखक वहाँ से चले गए, तो व्यक्ति को ऐसा लगा कि मैंने उस आदमी के 90 रुपये गलती से मेरे पास आ गए हैं, यानी कि उस आदमी को भी नहीं पता है। इसलिए वो बेचारे अपनी जगह छोड़कर, अपनी ड्यूटी छोड़कर वो रेलवे डब्बे के अंदर आके सेकेंड क्लास में ढूंढा उन्होंने पूरे जगह पर लेखक को, और लेखक को जब उन्होंने 90 रुपये वापस दिए तो देते हुए उनके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था, क्योंकि वो पैसे उनके नहीं थे और हमारे यहाँ पर आज भी जो पैसा हमारा नहीं है वो हमारे पास ना आए, ऐसा ही चलन है। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है? अब लेखक कहते हैं कि कैसे कह सकते हैं फिर हम, ऐसी घटनाएं आज भी भारत में होती हैं, तो कैसे कहोगे आपकी ईमानदारी नहीं है? तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं भले कम होती हैं या होती हैं और हमारे सामने नहीं पहुँचती हैं, तो ऐसी एक घटना का लेखक जिक्र करते हैं। एक बार लेखक जो थे वो बस से यात्रा कर रहे थे, अपनी पत्नी और 3 बच्चे भी उनके साथ थे। बस में अचानक कुछ खराबी आ गई, बस रुक रुक कर चलने लगी और 5-6 मील जाने के, जहाँ पहुँचना था उससे थोड़ा समय पहले, 5-1 मील पहले, गाड़ी जो थी एक सुनसान जगह पर बिल्कुल ही बंद हो गई, यानी कि अब चलना ही बंद कर दिया, यानी कि जहाँ उनको पहुँचना था उससे 5 मील पहले। 5 मील का मतलब होता है 1 किलोमीटर के अंदर, समझिए कि 1.6 1 मील के अंदर 1.6 किलोमीटर होता है, तो 5 मील के अंदर आप समझ लो कि 8.5 किलोमीटर हो गया। तो इतनी दूर एक गाड़ी जो है बंद हो गई और दूर दूर तक कुछ नहीं है। रात का समय था, 10 बजे होंगे। बस के यात्री जो थे वो घबरा गए और तभी कंडक्टर ऊपर गया और ऊपर एक साइकिल थी उसको उतारा और साइकिल लेकर वहाँ से निकल लिया कंडक्टर। अब लोगों ने जब ये देखा कि कंडक्टर भाग गया, चला गया, अब लोगों ने पूछा नहीं भी वो कहाँ गया है, क्यों गया है, लेकिन उनको सीधा सीधा संदेह हो गया कि कंडक्टर तो कहीं चला गया है। बस में बैठे लोग जो थे वो तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा, अब यहाँ पर डकैती होती है, 2 दिन पहले ही इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था। लेखक कहते हैं कि उस बस के अंदर परिवार के साथ अकेले यही थे। बच्चे जो थे वो पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना ही नहीं था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। तो सब माहौल कैसा होगा आप खुद इमेजिन कर सकते हो, बस रुक गई है और बच्चे हैं साथ में, फैमिली है, लोग हैं, और क्या हालत हुई होगी आप सोच सकते हो। कुछ नौजवान जो थे उन्होंने ड्राइवर को पकड़ लिया और मारने पीटने की तैयारी कर ली, ये कंडक्टर तो भाग गया, इसका साथी है तो हम इसको पकड़ लेते हैं। ड्राइवर जो था वो तो घबरा गया, भाई ये क्या होने वाला है, लोगों ने उसको पकड़ रखा था। वो बेचारा एक बड़ी ही निर्मम निगाहों से, बड़े ही मासूम से निगाहों के साथ लेखक की तरफ देखने लगा और बोलने लगा, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे, कि हम तो बस को ठीक करने का कोई जुगाड़ कर रहे हैं, वो बंदा तो वहाँ कुछ लेने गया है ताकि बस को ठीक किया जा सके, तो ये लोग मुझे मारेंगे, मुझे बचाइए। डर तो मेरे मन में भी था पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है,
ऑल दो वो लोग सुनसान जगह पर बस बंद हुई थी, तो वहाँ पर डरा हुआ तो लेखक भी था, लेखक डरे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी आंखों के अंदर जो डर था, जो सहमी सी निगाहों से वो एक प्रे करते हैं जब हम किसी के सामने, तो वैसा उनका चेहरा देखकर उन्होंने यात्रियों को मनाया कि इनको मारिए नहीं। और एक्चुअल में वो लोग किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थे, और उन्होंने कहा, लोगों ने कहा कि इसकी बातों में मत आइए, ये तो धोखा दे रहा है, कंडक्टर तो पहले ही चला गया है और वो डाकुओं को वहाँ से भेजेगा। देखिए पुराने समय में ऐसी घटनाएँ होती थी कि बस को रोक दिया गया और जो कंडक्टर है वहाँ से चला गया। अब उस समय टेलीफोन फ़ोन नहीं होते थे, तो वो गया साइकिल लेकर, आगे कहीं डाकू होंगे उनके, और डाकुओं को उन्होंने बोल दिया कि जाओ लूट लो बस को, अब डाकू आएंगे बंदूक लेकर तो आप अपना सामान दे दोगे, बाद में कंडक्टर और ड्राइवर को उसका हिस्सा दे दिया जाएगा। तो इसी डर के मारे लोगों ने उनको पकड़ लिया था। तो लेखक बहुत डरे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ड्राइवर को किसी तरीके से मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए, बच्चे जो थे वो पानी और भोजन मांगने लगे। अब बच्चों को देखकर, लोगों का डर देखकर लेखक कह रहे हैं कि मेरी और मेरी पत्नी की हालत बहुत ख़राब हो गई। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, लेकिन उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा, यानी कि बस में नहीं बैठने दिया, नीचे उतार के उसको घेर लिया रोड पे। अब कोई भी दुर्घटना होती है तो सबसे पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। उनको लगता है कि अगर कोई चोर आते हैं, डाकू आते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले हम ड्राइवर को मार देंगे, ये उनको सबसे बेहतर लगा लोगों को, क्योंकि ड्राइवर इसमें मिला हुआ है। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा, इसी समय क्या देखता हूँ। अब लेखक ने थोड़ा बहुत समझाया उनको, गिड़गिड़ाया, रिक्वेस्ट की कि डोंट डू दिस, कि इनको मारिए नहीं। लेकिन थोड़े समय के बाद ही हमारी बस का कंडक्टर जो था, सामने से खाली बस आ रही थी और उस बस के अंदर एक आदमी बैठा दिखा, और वो कौन था, वो इनका कंडक्टर था, जो इस बस से साइकिल लेकर जो निकला था ना। अब वो कंडक्टर जो है वो सामने से एक और बस आ रही है, उस बस के अंदर वो कंडक्टर बैठा हुआ है और वो वापस आ रहे हैं। यात्रियों में फिर जान आई, लोग जो थे वो पहले तो घबरा, अब थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि सामने से एक बस आ रही है और उस बस के अंदर एक आदमी जो बैठा हुआ है वो उनकी बस का ही कंडक्टर है। ये देखकर लोग जो थे उनकी जान में जान आई, और जैसे ही कंडक्टर वहां पहुंचा, उसने आकर कहा कि मैं अड्डे गया था और वहां से एक नई बस लाया हूं, और आप उस बस पर बैठिए, अब ये जो बस है ये तो चलने लायक नहीं है, इसलिए अब नई बस लेकर आया हूं मैं वहां से, उसमें आप बैठकर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाइए। फिर वो उन लेखक के पास आया और उसके पास एक लोटा था, उस लोटे में थोड़ा पानी और दूध था। उन्होंने कहा, पंडित जी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैं वहाँ थोड़ा दूध मिल गया और थोड़ा लेकर मैं बच्चों के लिए आया हूँ, ताकि ये भूखे हैं तो उनको दूध पिला दिया जाए। यात्री जो थे उनकी तो जान में जान आई, सब ने उसे थैंक यू कहा और ड्राइवर से माफ़ी मांगी, और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुँच गए। तो देखने को अगर हम देखें, लेखक और बाकी जो बस के यात्री थे, उन्होंने पहले अनुमान लगाया कि शायद ये कंडक्टर टॉकों को बुलाएगा और हमें लूट लिया जाएगा, लेकिन कंडक्टर इतना अच्छा था कि उसने साइकिल उठाई, बेचारा 5 मील आधी रात को 10 बजे वो साइकिल चला कर गया, वहाँ से जो डिपो था, बस डिपो होता है जहाँ पर बसें खड़ी होती हैं, बस स्टैंड, वहाँ से एक बस लेकर आया ताकि यात्रियों को वहाँ पहुँचाया जा सके, और खाने पीने के लिए भी बच्चों के लिए कुछ लेकर आया, क्योंकि बड़े लोग तो फिर भी संयम कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को भूख लगती है तो उनको रोका नहीं जा सकता है। तो कितनी अच्छी बात हुई यहाँ पर। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह नहीं गई है। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। तो लेखक ने कहा है, ये घटना उनके जीवन की 2 घटनाएं उन्होंने हमारे सामने रखी, लेकिन लेखक कहते हैं कि ऐसी कितनी घटनाएं मेरे जीवन में हुई हैं, तो मैं कैसे कहूँ कि दया भावना लोगों के अंदर नहीं है। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। लेखक कह रहे हैं कि उनके हाथ भी धोखा हुआ है, ठगी उनके हाथ भी हुई होगी, विश्वासघात हुआ है, लेकिन बहुत कम जगहों पर। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाओं की भी बहुत कम नहीं है जब लोगों के ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बनाई है। लेखक कहते हैं कि सिर्फ आप ऐसी घटनाओं को याद रखोगे जिसमें आपको धोखा मिला है, तो उससे आपको कभी शांति या कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आप हिम्मत रखिए और उन चीज़ों को याद रखिए जिनसे आपको कभी फ़ायदा हुआ है, जैसे लोगों ने बिना किसी कारण के आपकी मदद की हो, आकर आपसे कुछ लिया नहीं है, आपसे कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी आपको आकर मदद की हो लोगों ने, ऐसी घटनाओं को याद रखेंगे तो आपकी हिम्मत बंधेगी।
कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रार्थना जो उन्होंने लिखी थी उसमें से दो पंक्तियां उन्होंने लिखी हैं। कहा है, लेखक बताते हैं कि उनकी प्रार्थना में लिखा है कि अगर हे भगवान मुझे संसार में कभी धोखा खाना पड़े, नुकसान उठाना पड़े, तो ऐसे में भी मैं भगवान तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं, मैं हमेशा तुम्हारे ऊपर विश्वास बनाए रखूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी, मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लेखक कह रहे हैं कि जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं मनुष्यों के द्वारा, वो पहले भी थी, आज भी बनाई जा रही हैं, उनके अंदर बदलाव भी किया जा रहा है समय समय पर, ताकि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हों और हमारे देश को महान बनाने की तरफ ले जाएं। लेकिन अब भी लेखक कहते हैं कि भले समय कठिन है, मुश्किल है रास्ता, लेकिन अब भी जो आशा की किरण है वो बुझी नहीं है, और महान भारतवर्ष की जो कल्पना हमने की थी वो हम पूरी कर सकते हैं, इसकी संभावना आज भी बनी हुई है। इसीलिए लेखक अंत में कहते हैं मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो लेखक हैं वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद।